मुंबई एक ऐसा शहर जहाँ जाने का सपना हर किसी का होता है, जिसे सपनों का शहर भी कहा जाता है। साथ ही साथ मुंबई दुनिया के टॉप बिलियनियर शहरों में से एक है। बेशक भारत की राजधानी दिल्ली हो, लेकिन आर्थिक राजधानी तो मुंबई है। और भी बहुत अनसुनी सच्चाइयां हैं मुंबई शहर के बारे में, जो आप भी सुनना पसंद करोगे। मुंबई का इतिहास 1507 से शुरू होता है। पहले मुंबई को बंबई के नाम से जाना जाता था, बाद में 1995 में इसका नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया, क्योंकि मुंबई के सभी मूल निवासी मुंबा देवी की पूजा करते हैं, इसीलिए नाम मुंबई रख दिया गया। 2020 के अकॉर्डिंग मुंबई की आबादी 2,04,00,000 है। पूरे भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी मुंबई ही है। आबादी ज्यादा होने के कारण यहाँ पर जगह की बहुत किल्लत है। भारत का सबसे पहला 5-स्टार होटल मुंबई में खोला गया था, वो भी 1903 को, जिसका नाम ताज होटल है। मुंबई में भारत के सबसे अमीर लोग रहते हैं। बॉलीवुड की दुनिया भी इसी शहर से शुरू होती है। इतना कामयाब शहर होने के बाद भी आपको बता दें, एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया यानी झोपड़पट्टी मुंबई में है, जिसका नाम धारावी है। 2 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैली धारावी बस्तियों में 1,000,000 लोग रहते हैं। दुनिया का सबसे महंगा घर मुंबई में है, जो भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी का है। इस घर की कीमत $1 बिलियन है। भारत का पहला एयरपोर्ट 1928 में मुंबई में खोला गया था, इसका नाम जुहू एरोड्रोम है। मुंबई के डिब्बे वाले मुंबई में ही नहीं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। इस काम की शुरुआत नूतन टिफिन कंपनी के नाम से 1890 में हुई थी। ये मुंबई के डिब्बे वाले समय के बहुत पाबंद होते हैं, आपको एग्जैक्ट टाइम पर खाना लाकर देते हैं। इन डिब्बे वालों की तारीफ करने खुद इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स भारत आए थे। मुंबई बहुत ही महंगा शहर है। यहाँ पर आपको रहने के लिए कम से कम 15,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। 2008 में फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार मुंबई दुनिया के टॉप बिलियनियर सिटीज में से एक है। समुद्र के पास होने के कारण मुंबई में ह्यूमिडिटी बहुत है, मतलब मौसम बहुत गर्म है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया तो आपने देखा ही होगा। दरअसल गेटवे ऑफ इंडिया 1924 को जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी के भारत आने के स्वागत में बनाया गया था। एक समय ऐसा भी था जब मुंबई शहर को अंग्रेजों ने प्रिंस चार्ल्स को गिफ्ट में दिया था। कहते हैं मुंबई रात का शहर है, या दिन में जितना काम होता है उतना ही काम रात को भी होता है। मुंबई का रेड लाइट एरिया कमाटीपुरा, जो 1795 में अंग्रेजों ने स्थापित किया था, आज इस कमाटीपुरा में 5,000 से भी ज्यादा वेश्याएं धंधा करती हैं। भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में खुला था, इसका नाम पहले बोरीबंदर था। भारत में सबसे ज्यादा लोकल ट्रेन मुंबई में चलती है, और मुंबई की ट्रेनों में रोज 75,00,000 लोग सफर करते हैं। मुंबई का सबसे फेवरेट त्योहार गणेश चतुर्थी और दही हांडी है, और सबसे फेवरेट फूड वड़ा पाव है, जिसे लोग बड़े शौक से खाते हैं। भारत में पहली बस 1926 से मुंबई शहर से ही चलना शुरू हुई थी। भारत का पहला पोस्ट ऑफिस मुंबई में ही खुला था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मुंबई के बारे में आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।